फ्रेंड, वेलकम टू सीधी रसोई से। आज हम बनाएंगे तिरंगा ढोकला। तो चलिए बनाते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल सूजी ले ली है। आज हम ढोकला सूजी का बनाएंगे और उसको मैंने बड़े बॉल में डाल दिया है। इसको एक बॉल सूजी ली है, चौथा हिस्सा हम इसका दही का ले लेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, मतलब नॉर्मल खट्टा। और उसको हम मिक्स करेंगे। इसको हम पानी इतना डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। ज़रूरत के अनुसार पानी और दही मिक्स करके हम इसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और फिर हम इसका 10-15 मिनट तक वेट करेंगे। जब तक हम ये रेस्ट हो रहा है, जब तक हम इसका छौंक बना लेते हैं ढोकले का। तो मैंने यहाँ पे एक पैन रख दिया है, उसमें हम एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल चाहे जैसा भी हो, सरसों का हो, रिफाइंड हो, अपन को ऑयल डालना है बस। और ऑयल गर्म होने पर हम इसमें एक चम्मच करीब जीरा डाल देंगे, एक चम्मच राई डाल देंगे और कुछ करी पत्ती डाल देंगे। हम है ना खट्टा मीठा ढोकला बना रहे हैं, तो खट्टा मीठे ढोकले में हम ये मीठा पानी बनाएंगे। और इसमें मैंने हल्का सा करी पत्ते वगैरह डाल के थोड़ी बारीक कटी हुई मिर्चियाँ डाल दी हैं हरी। अच्छे से रोस्ट करेंगे। मिर्चियाँ हल्की सी रोस्ट हो जाएंगी, उसके बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और जब तक मिर्चियाँ थोड़ी कड़क हैं, तब तक हम नहीं पानी डालेंगे, क्योंकि पानी में फिर मिर्चियाँ नहीं गल पाएंगी। तो हम इसमें हल्का सा रोस्ट करके फिर पानी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि मिर्चियाँ थोड़ी साबुत हैं, तो मतलब हरी हैं एकदम से, तो थोड़ा सा इसको रोस्ट करना ज़रूरी है, वरना तीखा लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा। तो इनको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा गलने पर आ जाए, इस तरह से हमें रोस्ट करना है। हमने एक बड़ा बाउल भर के सूजी ली थी, तो अब हम इसमें इतना पानी तो लेंगे जितना गल जाए। अब इसमें हम नींबू का रस निचोड़ देंगे। मैंने इसमें 2 नींबू का रस निचोड़ दिया है और इसको खट्टा मीठा पानी बनाएंगे। और इस उबलते हुए पानी में हमें शक्कर भी डालनी है। मैं शायद इसमें शो कराना भूल गई हूँ, सॉरी। शक्कर डालने के बाद हम चलते हैं अपने ढोकले के बैटर की तरफ। यहाँ पर ये बैटर अच्छे से फूल गया है और इसमें हमने जितना पानी डाला था वो काफ़ी सफिशिएंट था। अब इसका हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी, हल्का सा, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल लेते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। और इसको अब हम करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड, क्योंकि हमें बनाना है तिरंगा ढोकला। आज हम बनाने जा रहे हैं तिरंगा ढोकला, तो मैंने जैसे कि बोला था, अब हम उसका 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। हल्का सा इसको बैटर को अच्छे से मिलाएंगे और इसको 3 बॉल में कर लेते हैं। 2 बॉल मैंने यहाँ पर रख लिए हैं, एक बॉल हम इसको बड़े वाले को ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब हम इसमें एक में डालेंगे ग्रीन कलर। आप चाहें तो इसको अलग से भी बना सकते हैं, और मैंने तो इसको कलर से कलर दिया है, और इसमें लिक्विड कलर भी आते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला है 1 पिंच ऑरेंज कलर, जिससे अपना केसरिया रंग आ जाएगा और अपना बने का ढोकला तिरंगा। गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो मैंने सोचा कुछ न्यू रेसिपी बनाते हैं, तो इसलिए मैंने आज देश भक्ति जगाने के लिए मैंने आज ढोकला बना लिया, अपने घर में रेसिपी बना दी है फर्स्ट क्लास, और बहुत ही टेस्टी और एकदम स्वादिष्ट बनी है। आप लोग एक बार बनाना, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ये ऑरेंज कलर को भी गाजर के क्रश करके और डाल सकते हैं उबाल कर, तो उससे ये कलर आ जाता है। बाकी मेरे पास कलर थे, तो मैंने इसमें कलर डालकर तिरंगा ढोकला बनाया है। आप चाहें तो उस तरीके से बना सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा वाइट रख लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा इनो पाउच डाल दिया है।
क्योंकि इनो से ये अच्छे से फ्लफी हो जाएगा। इनो डालने के बाद थोड़ा सा चलाएंगे और इसको बैटर को हम एक पॉट में डाल लेते हैं, इसमें अपने ढोकले बनाएंगे। अब मैंने ये ढोकले का बोल ले लिया है, इसमें हम हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल से। बिना ऑयल किए हुए ढोकला कभी मत बनाना, वरना ये निकलेगा नहीं, चिपक जाता है अंदर से और पूरा ढोकला टूट टूट के निकलेगा, इसीलिए ग्रीसिंग करना कभी मत भूलिए। सबसे पहले डाल देंगे हम इसमें बैटर वाइट वाला, मोल्ड में डालने के बाद थोड़ा सा टैप करेंगे और इसको सबसे पहले हम पकाएंगे। पहले हम इसको पका लेंगे हल्का सा वाइट वाले पार्ट को, उसके बाद हमने ये पानी बॉईल करने रख दिया था इडली पॉट में, तो इसको हम ढोकले को भी इसी में बना रहे हैं। पहले हम वाइट हिस्से को एक बार थोड़ा सा हल्का सा पका लेंगे 2 मिनट के लिए, जिससे ये सेट हो जाए। उसके बाद हम ग्रीन ऑरेंज कलर डालेंगे, 5 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख देते हैं, जब तक हम इसमें थोड़ा सा इनो डाल लेते हैं और मिला देंगे इन दोनों को अच्छे से। इनो से थोड़ा फ्लफी हो जाता है, आप इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, मीठे सोडा से भी अच्छा हो जाता है। 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगा देते हैं जो हम ग्रीन कलर की लगा रहे हैं। ग्रीन कलर की हमने थोड़ी वाइट हल्की पतली लेयर ली है और इसके ऊपर हम ऑरेंज कलर की अभी 5 मिनट में मतलब साथ साथ डाल देंगे दोनों को। आप चाहें तो इसको भी रुक कर थोड़ा डाल सकते हैं, बाकी मैंने एक साथ डाल दी है। और मैंने यहाँ पे तीनों लेयर लगाकर इसको बंद कर दिया है 10-15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे और इसको देखो हमने 15 मिनट बाद खोला है, तो देखते हैं ये पका है या नहीं। तो थोड़ा सा लकड़ी की स्टिक से हम देखेंगे टूथपिक से कि पका नहीं है, हल्का सा भी इसमें लेस आ रहा है, तो हम इसको वापस से बंद करेंगे। 5 मिनट बाद फिर में हमने खोला है इसको और अब 5 मिनट बाद में शायद ये पक गया है, टूथपिक एकदम क्लियर निकल रही है, इसका मतलब ये पक गया है। और अब हम इसको अनमोल्ड करेंगे, पहले हम इसको नीचे रखेंगे ठंडा होने के लिए। एकदम ठंडा होने के बाद ये बहुत बढ़िया निकलता है, इसको साइडों से पहले निकाल लें। और इसको अब हम कट कर रहे हैं, कट करने के बाद में इसके एक एक पीस निकालेंगे। हमें साइडों से इसको बिल्कुल फ्री कर दिया है और फ्री करने के बाद में उसको हम कट लगाएंगे। और ये देखिए मैं एक पीस निकाल के दिखाती हूँ, ये मैंने पीस निकाल लिए हैं इसमें से साबुत साबुत एकदम बढ़िया। ठंडा होने के बाद जब हम निकालेंगे तो एकदम बढ़िया पीस निकलेंगे और बहुत ही अच्छा तिरंगा ढोकला बना है, बहुत ही प्यारा कलर आया है और एकदम हेल्दी है। फूड कलर हार्मफुल नहीं होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में डालते हैं तो कोई नुकसान नहीं करते हैं, अगर अपन बहुत ज़्यादा डालते हैं तब तो थोड़ा हार्मफुल रहते हैं, बाकी एक पिंच कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है इसमें। और इसके ऊपर मैंने अब छूट डाल दिया है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ ऑल फ्रेंड्स।